आज की इस न्यू सीरीज में हम आपको बताएंगे कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं। हमने एक वेबसाइट का सीरीज स्टार्ट किया जिसमें मैंने अलग अलग पार्ट में वेबसाइट के रिलेटेड अलग अलग वीडियोस में आपको दूंगा कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वेबसाइट के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, वेबसाइट में कितने तक इन्वेस्टमेंट कर दिया जा क्या जा सकता है, अगर आप कोई पोर्टल बनाना चाहते हैं तो पोर्टल कैसे बनेगा, वेबसाइट कैसे बनेगा, चाहे वो शॉपिंग वेबसाइट हो या मार्केटिंग वेबसाइट हो, चाहे वो एडुकेशन हो या किसी भी शॉप का वेबसाइट हो, किसी भी तरह का या ब्लॉगर हो, तो किसी भी तरह का वेबसाइट आप किस तरह बना सकते हैं आज के इस वीडियो में जानेंगे विस्तार से। ये हमारे सीरीज का पार्ट वन है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वेबसाइट बनाना है। वेबसाइट कई तरह की बनते हैं। अगर ट्रेडिशनली वेबसाइट अगर आपको बनानी होती है उसके लिए आपको क्या करना होता था, कोडिंग करना होता था उसके लिए। और कोडिंग करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए था HTML S और साथ साथ आपको चाहिए था CSS चाहिए था, साथ साथ आपको चाहिए था JavaScript। ये सब आपको कोडिंग करने के लिए ज़रूरत, और इसी तरह बहुत सारी चीज़ चाहिए, और इसी के साथ आपको चाहिए था PHP चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे कोडिंग के लिए बहुत सारे आपको चीज़ चाहिए था और उसके लिए बहुत सारा आपको मेहनत करनी पड़ती। तो ये सब करने के लिए जो छोटे कस्टमर हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, जो वेबसाइट बनाते हैं, उसको बहुत प्रॉब्लम आती थी वेबसाइट बनाने में। तो उसको एक वेबसाइट बनाने के लिए रखना पड़ता था एक डेवलपर, ठीक है, जिसकी कॉस्टली बहुत ही ज़्यादा थी, ठीक है। और एक नॉर्मल वेबसाइट बनाने के लिए आपको कोडिंग वगैरह करने के लिए एक डेवलपर रखने की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये डेवलपर आपको जो था ज़्यादा हाई कॉस्टली क्या होता था। तो इसकी सॉल्यूशन क्या है, ये सब ना करे, ना कोई डेवलपर रखे, तो बिना ये सब किए, बिना डेवलपर रखे हुए आप किस तरह वेबसाइट बना सकते, ये सभी की सॉल्यूशन जो है आपको क्या है, वर्डप्रेस। सॉल्यूशन क्या है, वर्डप्रेस, ठीक है। तो चलिए अब आगे वर्डप्रेस क्या है ये जानते हैं। तो वर्डप्रेस पे आप कैसी ही वेबसाइट बना सकते हो, चाहे वो वेबसाइट एडुकेशन रिलेटेड हो, चाहे वो वेबसाइट शॉपिंग रिलेटेड हो, या वो वेबसाइट ट्रेनिंग रिलेटेड हो, वर्डप्रेस पे आप किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। वर्डप्रेस ऐसी ऐसी बहुत कंपनी है, लेकिन जैसे कि आपने देखा होगा विक्स, जिसके बहुत बड़े बड़े ऐड आते हैं, आपने देखा होगा यूट्यूब फेसबुक पे इनके ऐड आते हैं, और एक आती है वीबली भी आती है जिसकी भी ऐड बहुत ज़्यादा आपको दिखने को मिलेगी, बहुत सारे कंपनी जिसकी वजह से आप वेबसाइट बना सकते, लेकिन ये सब में जो बेस्ट है वो है वर्डप्रेस, ठीक है। अब जानते हैं कि ये सब कंपनी में वर्डप्रेस सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा क्यों है। तो आप देख सकते हैं जितने भी वेबसाइट अभी चल रही है इंटरनेट पे, उसमें से 38% जो है वेबसाइट जो है वह वर्डप्रेस पर बनी हुई है। जितने वेबसाइट अभी चल रही है इंटरनेट पे, जिसमें 38% वेबसाइट जो वो वर्डप्रेस पर बनी हुई है, ठीक है। तो इसलिए इनका देख सकते हैं 38% बहुत ज़्यादा संख्या होती है, ये वेबसाइट वर्डप्रेस पर बना हुआ है। तो चलिए अब जानते हैं कि वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ वर्डप्रेस हो गया, तो उसके लिए नंबर वन जो है वो है डोमेन, ठीक है। अब ये डोमेन क्या है ये पहले जान लेते हैं। ये डोमेन जो है ये एक तरह का एड्रेस हो गया, तो ये डोमेन जो है एक तरह का एड्रेस हो गया। जिस तरह आपको किसी भी ऑफिस में जाना होता है तो आप क्या करते हैं, इस ऑफिस के एड्रेस पे जाते हैं। अगर कोई भी अगर आपकी वेबसाइट पे जाएगा तो वो क्या करेगा, ब्राउज़र में आपकी वेबसाइट का एड्रेस डालेगा। तो जैसे ही वो आपकी वेबसाइट का एड्रेस डालेगा तो वो आपकी वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। उसी तरह अगर कोई ऑफिस, कोई कार्यालय जाएगा, कोई ऑफिस जाएगा, तो उसको क्या हो, उसको एक एड्रेस चाहिए उस जगह तक
पहुंचने के लिए। अगर कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पे पहुंचेगा तो कैसे पहुंचेगा, उसके लिए पास एक एड्रेस होना चाहिए। आपका बिजनेस इंटरनेट पे तो आपका कुछ एड्रेस भी होना चाहिए। जैसे वो एड्रेस पे ब्राउज़र में आपके वेबसाइट के एड्रेस डाले, www. जो भी आपकी वेबसाइट .com हो वो डाले, तो वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पर पहुँच जाए। तो ये एक तरह का आपके एड्रेस हो गया। तो ये समझ लीजिए एक तरह का एड्रेस, डोमेन जो है ये आपका एक एड्रेस होगा, आपकी एक पहचान है इंटरनेट पे। अगर कोई भी आपके वेबसाइट पे आएगा तो उसको क्या करना होगा, आपके वेबसाइट का जो एड्रेस है, जो भी डोमेन नेम वो डालेगा तो वो आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा। तो सिंपली समझ के ये डोमेन जो है ये आपकी वेबसाइट है, आपकी पहचान है इंटरनेट पर। सिंपल से समझ के कोई भी आपके अगर घर आएगा तो उसको क्या चाहिए, आपके घर पे आने के लिए एक एड्रेस चाहिए ना, तो आपके घर पे आने के लिए एड्रेस चाहिए। उसी तरह इंटरनेट पर आपकी वेबसाइट है तो आपकी वेबसाइट पे भी लोग कैसे आएंगे, उसके लिए भी आपको एक एड्रेस चाहिए। ठीक है, ये एड्रेस भी क्या करती है, ये आपकी पहचान को दर्शाती है। लेकिन ये घर, ये आपको पहचान ऑफलाइन दर्शाती है, लेकिन ये जो डोमेन नेम है ये आपको ऑनलाइन, ऑनलाइन आपका एड्रेस हो गया। ये तो आपका ऑफलाइन हो गया, ये ऑनलाइन हो गया। तो समझ गए, डोमेन जो है वो आपका एड्रेस है, एक पता है, जो भी इस पते पे अपने ब्राउज़र को पेस्ट करेगा, डालेगा, तो वो आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा, यानी कि आपकी वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। पहली तो बात समझ गए, ये डोमेन क्या होता है, ये एड्रेस होगा, होता है आपकी वेबसाइट पे पहुंचने के लिए। इसे क्या करना हो, इसे भी आपको परचेज करना होगा, यानी कि खरीदना होता है। बहुत सारी कंपनी फ्री में भी प्रोवाइड करती है, हम उसके बाद उसके लिए आगे हम बात करेंगे आगे वीडियो में। चलिए, पहला तो हो गया डोमेन, अब दूसरा है, दूसरा क्या, दूसरा है होस्टिंग। दूसरी वेबसाइट बनाने के लिए आपको चाहिए होता है होस्टिंग। अब देखिए होस्टिंग क्या है, सबसे पहले तो आप समझ गए कि डोमेन क्या है, डोमेन एक एड्रेस है। ठीक है, ये एड्रेस तो मान लीजिए आपको कहीं पे घर बनाना है, तो यहाँ पे आपको घर बनाना है, घर बनाने के लिए आपको क्या होता है चाहिए, ज़मीन होना चाहिए। अगर आप कहीं घर बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपका ज़मीन होना चाहिए। इसी तरह अगर इंटरनेट पर आप अपनी वेबसाइट डाल रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, तो वेबसाइट को रखना कहाँ चाहते हैं, उसके लिए आपको एक डोमेन लेना होगा जिस पे आपकी वेबसाइट रहेगी। जो भी फ़ोटो वीडियो जो भी डालेंगे वो आपकी वेबसाइट पर रहेगी, जो कि आपके होस्टिंग पर रहेगी। तो ये एक तरह का आपका ज़मीन हो, जिस तरह आप कहीं घर बनाते, घर बनाने के लिए ज़मीन लेते हैं। ठीक है, ज़मीन लेते हैं तो उसके बाद ही आप घर बना पाते हैं ना, उसी तरह होस्टिंग, पहले आप इंटरनेट पे ज़मीन लेना होगा, यानी कि होस्टिंग लेना होगा, उसके बाद इसी होस्टिंग पे आपको अपना एक घर बनाना, यानी कि वेबसाइट बनाना होगा। ठीक, तो होस्टिंग सिंपल से समझ लीजिए, होस्टिंग क्या हो गया, होस्टिंग एक ज़मीन हो गया, ज़मीन आपने लिया, ये ऑनलाइन ज़मीन होस्टिंग जो हो गया, ये आपका ऑनलाइन ज़मीन हो गया। ठीक है, और ये ज़मीन जो है लैंड, तो ये आपका ऑफलाइन हो गया। ठीक है, तो ये आपने ज़मीन लिया, तो ज़मीन, इस ज़मीन पे अगर आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे तब आप बना, जब आपका इंटरनेट पे आपका कोई जगह नहीं, कोई ज़मीन नहीं, कोई नामो निशान नहीं, तो आप इस वेबसाइट नहीं बना सकते। जब पहले आपको इंटरनेट पे ज़मीन लेना होगा, उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट अपनी डोमेन से बनाना हो, डोमेन पर बनाना हो, यानी कि जो भी आपकी वेबसाइट होगी, आप जो भी फ़ोटो वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके डोमेन पर होस्टिंग पर रहती है। जो भी आपने अपने वेबसाइट पर डालेंगे वो आपके होस्टिंग पर रहती है। तो ये समझ गए कि डोमेन क्या होता है, डोमेन एक एड्रेस हो गया, होस्टिंग है आपका ज़मीन हो गया, इंटरनेट की ज़मीन होस्टिंग हो गया, और एड्रेस जो है वो आपका डोमेन हो गया। चलिए अब तीसरी स्टेप है कि दोनों को लिंक करना, आपकी ज़मीन है इंटरनेट पे, आपका एड्रेस भी है इंटरनेट पे, लेकिन आपका ज़मीन कहीं और है, एड्रेस कहीं और, ये दोनों का वो क्या करना होगा, लिंक करना होगा, जिसे माइनेज DNS कहते हैं, माइनेज करना होगा, दोनों को लिंक करना होगा। ठीक है, ये आपका वेबसाइट हो गया और ये आपका होस्टिंग हो गया, इस दोनों को लिंक करना है, ताकि आप इस वेबसाइट पे जो भी पोस्ट करेंगे, जो भी अपलोड करेंगे, वो आपकी इस ज़मीन पर रहेगा। ठीक है, तो अब इस दोनों को लिंक करेंगे, लेकिन ये लिंक करने का प्रोसेस बाद में होगा, क्योंकि इससे पहले हमको एक होस्टिंग और एक डोमेन लेना होगा, यानी कि ज़मीन लेना होगा इंटरनेट पे,
और एक अपना एड्रेस लेना होगा इंटरनेट पे, उसके बाद ही हम दोनों को लिंक कर पाएंगे। ये दोनों आपको लेना होगा। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक कि होस्टिंग डोमेन क्या है, और आज का अगले बीट पार्ट में हम आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे। आज के इस वीडियो में आपको क्या करना होगा, एक डोमेन सोचना होगा। जिस तरह आपका एड्रेस होता है, जिस तरह आपका ऑफलाइन एड्रेस होता है, ऑफलाइन एड्रेस वो क्या होता है, यूनिक होता है, वो क्या होता है, यूनिक होता है। उसी तरह आपका जो ये ऑनलाइन एड्रेस है, ये भी एक यूनिक होना चाहिए। तो आपको सोचना होगा यूनिक एड्रेस क्या है। तो यूनिक एड्रेस, जैसे यूनिक एड्रेस अगर आपका रहेगा तो आपकी वेबसाइट पर ज़्यादातर आदमी आएंगे, क्योंकि यूनिक नाम सुन के आते हैं। अब देखिए डोमेन नेम कैसे सोचें और किस टाइप का रखें। एग्जांपल के तौर पे अमेजोन है। अमेजोन के नाम से क्या पता चलता है, जो कभी नहीं सुना होगा अमेजोन के नाम से, वो कभी कुछ नहीं बता पाएगा अमेजोन क्या है। जो सुना होगा तो वो डायरेक्ट बता देगा अमेजोन ऑनलाइन सेलिंग वेबसाइट है, जो ऑनलाइन प्रोडक्ट को बेचती है ही ना। ठीक है, अब देखिए कोई हमारा वेबसाइट है जिसका नाम है जीसान मार्केटिंग, जीसान मार्केटिंग। ठीक है, तो अब ये जो नाम सुनेगा कोई जीसान मार्केटिंग, तो वो क्या समझ जाएगा कि ये मार्केटिंग रिलेटेड का कोई वेबसाइट है। तो आपको इस टाइप का डोमेन नेम सोचना है, जो आपके डोमेन नेम सुने तो उसको ये पता चल जाए आपकी वेबसाइट किस टाइप का है। ये अमेजोन जो है, अमेजोन एक शॉपिंग वेबसाइट है, लेकिन इस वेबसाइट का नाम कस्टमर के माइंड में सेट करने के लिए अमेजोन ने बहुत सारा ऐड करवाया था, यानी कि विज्ञापन दिया था, बहुत सारे ऐड करवाया था। अब जाके ये अमेजोन जो है वो कस्टमर के माइंड में सेट कर पाया कि अमेजोन एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है। तो इसमें बहुत सारे इनको ऐड करवाना पड़ा था। लेकिन अगर जीसान मार्केटिंग डॉट इन पे अगर कोई आता है या कोई नाम सुनता है, उसको नाम से ही पता चल जाता है कि ये वेबसाइट मार्केटिंग रिलेटेड है। तो आपको डोमेन नेम जो सोचना है वो मार्केटिंग, मतलब कि जिस टाइप का वेबसाइट है, आपके डोमेन नेम सुनते ही अगले कस्टमर को ये पता चल जाए कि इस वेबसाइट, ये डोमेन इस वेबसाइट, मतलब इस टॉपिक पे है, तो उससे आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा आपके वेबसाइट का। हम नेक्स्ट वीडियो में, अब पार्ट टू के वीडियो में करेंगे किस तरह डोमेन खरीदते हैं, कौन सी कंपनी से खरीदते हैं, वो हम आपको डोमेन के बारे में बताएंगे। यानी कि एक एड्रेस ऑनलाइन जो खरीदते हैं, वो एड्रेस डोमेन कौन सी कंपनी से, ये आपको डोमेन बहुत सारी कंपनी प्रोवाइड करा देगी। और दूसरा है कि होस्टिंग, होस्टिंग कौन सी कंपनी से ली, ये भी आपको बहुत सारी कंपनी जो होस्टिंग आपको प्रोवाइड करा देगी। ठीक है, तो ये ज़मीन और एड्रेस किस तरह ऑनलाइन कीमतें हैं, ये पार्ट टू के नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो आपको फ्री में ज़मीन देती, फ्री होस्टिंग। तो याद रखिएगा, फ्री होस्टिंग कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि फ्री होस्टिंग रहेगा तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट बार बार डाउन हो जाएगी, सर्वर डाउन, वेबसाइट खुलेगी नहीं, वेबसाइट बहुत धीरे से खुलेगी, कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा समय नहीं दे सकता है, क्योंकि वो आता है वेबसाइट पर देखता है ये है कुछ है, तो वो आता है फिर चले जाता है। अगर आपकी वेबसाइट खुलने में ही समय लग जाए तो कोई आपकी वेबसाइट पर नहीं आएगा। इसलिए फ्री होस्टिंग नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको कभी सर्वर डाउन हो जाता है या कुछ हो जाता है, ये फ्री होस्टिंग वाले आपकी हेल्प नहीं करते, इसलिए फ्री होस्टिंग नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डोमेन लेंगे, होस्टिंग लेंगे, इस दोनों को लिंक करेंगे। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक।